केंद्रीय मंत्री बस सिंह, मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदारी के साथ स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि बढ़िया नगर परिषद क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत शिविर एवं कम्युनिटी किचन का भी उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहत शिविर में रह रहे बाढ़ से पीड़ित लोगों को जो है वो कपड़ा वितरण किया। इस मौके पर बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राहत शिविर में रह रहे सभी लोगों को कपड़ा और खाने की वस्तुएं वितरण की जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बाढ़ का पानी गांव और घर से नहीं निकलता, तब तक सभी लोग राहत शिविर में ही रहेंगे। अभी 5-7 लोगों को दिया गया है, बाकी सभी लोगों का सूची बना हुआ है, मर्द के लिए भी और महिलाओं के लिए। सबको कपड़ा सूची के हिसाब से ये लोग बुलाएंगे, एक एक आदमी को कपड़ा देंगे और बर्तन भी मिलेगा, चंदू लोटा गिलास ये सब मिलेगा। और जब तक पानी गांव से नहीं निकलता है, घर से नहीं निकलता है, यहाँ रहेंगे। सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से सबके भोजन का इंतजाम यहाँ रहेगा। जब पानी निकल जाए तब घर वापस जाइए, यही आप लोगों से आग्रह है। और सब लाइन लगा के शांति से आपाधापी में करे, शांति से जिसका जिसका नाम पुकारा जाए वो आपके अपना वस्त्र बर्तन जो भी है वो सब आप लोग लीजिए और शिविर में आराम से रहिए। सरकार की तरफ से सारा इंतजाम। वहीं गोपालगंज में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लगातार दूसरे दिन हुई गोलीबारी की घटना ने पुलिस की गश्त पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर वार्ड नंबर 26 का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक जमीन के ठेकेदार पप्पू कुमार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर नोनी टोली मोहल्ले में घटित हुई है। लगातार दूसरे दिन हुई घटना के बाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं फायरिंग के दौरान किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना दिया है। रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास टाउन थाना क्षेत्र में श्रीरामपुर में एक रास्ते में दो अपराधी बाइक सवार हवाई फायरिंग करते हुए वहां से निकले थे, जिसका वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उस पर पुलिस जांच कर रही है। इस पर टीम का गठन किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और इसका जल्द ही निवेदन करेंगे। इसके पहले भी फायरिंग हुआ था? हाँ, लोगों द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी एक बार फायरिंग की गई थी। तो इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने SIT टीम का गठन किया है, इसका जल्द ही निवेदन करें। क्या किसी के घर पर फायरिंग किया गया है या यूं ही? अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसी घर पे है या फिर कहाँ पे फायरिंग की गई है। रास्ते में वीडियो फुटेज को देखने से लग रहा है रास्ते में फायरिंग की गई है। इसमें जाँच चल रही है और इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी सूचित किया जाए। वहीं अलीगढ़ में जल भराव की समस्या से तंग आकर दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जल भराव की समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं। गांव की पोखर पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत दर्जनों बार अधिकारियों से की गई है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा लीपापोती करके शिकायतों को कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील कोल के गांव सिकरना का है, जहां गांव की पोखर पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसके चलते गांव का सारा पानी सड़कों पर बहता है। जल निकासी न होने के कारण गांव पूरा जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। कई बार शिकायत की लेकिन उसके बावजूद भी जब निस्तारण नहीं हुआ तो दर्जनों महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची और जोरदारी के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। ये सिकरना गांव है, वहां पूरे गांव में जल भराव और कुछ दबंगों ने जो पोखर है वो उस पर कब्जा किया हुआ है, मरगढ़ पे भी, और पूरे गांव में जल भराव है। किसान परेशान है, फसलें डूबी पड़ी हैं। ये महिलाओं को इनको पूछो, इनके पैर वैर टूट गए, पूरे गांव में
बहुत बुरी हालत है। ये सैकड़ों लोग अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हुए हैं और ये बताना है कई बार से आए हुए हैं। आज हमने डीएम साहब से बोला है तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन्हें सस्पेंड करने का भी वादा किया है। और लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने खुद बरसात को लेकर अधिकारियों जायजा मांगा उसका कि किस तरीके से क्या मामला जाकर रिपोर्ट दे, क्या लगता है? धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, ये वो बोल देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से ही सारे होते हैं। हाँ, वहाँ ले देकर काम हो जाता है और पीड़ित होता है किसान और मजदूर जो वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आप कभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार उस गांव में जाके देखिए, निकलना दुश्वार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पाते। अब इनसे पूछिए, इनके नाती का पैर टूटा हुआ है, 8 साल का लड़का है मेरा नाती, उसके दोनों पोखर के मोले के आए, मेरे कम से कम 60 साल हुए मेरे शादी को, जब तक पोखर ही, अब 20 साल से पोखर नहीं है। गाँव वाले ने ठाकुर ही पोखर मरवट सब जाट बन की और ठाकुर ने की सब बन के मरवट है, सब जाट चारों तरफ मां जाके देखा। हां, तीन पोखर ही चारों तरफ पानी भरा। विकास की शिकायत है अधिकारी पुलिस प्रशासन ने किसी का इसको खूब कही है, पैसा दे दे के भाजा कर देते हैं, आ जाते हैं और जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होगी ना। एक को तो डीएम साहब गए, मैंने कहा पानी मार दे हम, जब पता चलेगी इनकी मारे उन्हें एक दिन वहाँ दौड़ा दो पानी में। मैंने कहा सवारी औरत है, अब कैसे होगा, तो न करेंगे सारी महिलाएं मिलकर उन्हें निकाल के अब कैसे करेंगे। वही जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बयान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और भाजपा भी उन्हें हटाने में असमर्थ है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कसकर बैठी है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है, अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो उसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा और नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उनसे कामकाज से ना खुश है। नहीं, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है, बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, पहले मोतिहारी छपरा गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई, नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा, तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहे। खबर भोपाल से है जहां पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति भवन के सामने प्रदर्शन कर अपनी बात मनवाने के लिए कहा, जहां पर बरकतुल्ला के छात्र आशीष शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम सब मिलके हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान विज्ञान भवन में करना चाह रहे थे, परंतु हमारे कुलपति नहीं चाहते कि ये कार्यक्रम हो। उनके नजर से उनका बोलना है कि इनकी जयंती मनाना कोई उचित कार्य नहीं है, हमें जब ठीक लगेगा तब कार्यक्रम कर लेंगे। मैं आशीष शर्मा बरकतुल्ला का छात्र हूं। हम 2015 से लगातार भगत सिंह जयंती मनाते आए हैं। हम कई 3 साल से ये ज्ञान विज्ञान भवन में भी भगत सिंह जयंती मनाते हैं हर वर्ष, और उसका माध्यम केवल युवा में भगत सिंह जी के प्रति राष्ट्रप्रेम जागरूक करने के लिए है, लेकिन इनको पता नहीं क्या दिक्कत है
पहले 4 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी प्रोग्राम करने के लिए, बट ये बोलते हैं कि मतलब जब से बोलते हैं हाँ ठीक है कर लो मौखिक रूप में, हमने बोला राइटिंग में दो, तुम लोग तैयारी तो करो, ये मेरी पर्सनल बात हुई थी, अब मौखिक बात में ये पलट जाते हैं। फिर इसलिए मैंने ना कल परमिशन लेने गए इनसे, तो वो बोलते हैं कि बाद में कभी मना लेंगे, अभी नहीं मना सकते हैं, और ऐसा करा ही क्या है, मना लेंगे आराम से। और ये बताइए जब सितंबर में भगत सिंह जयंती है तो क्या बोल रहे हैं दिसंबर में मना लेंगे, और क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं ये तो, और ये किसी भी दल के छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए ये ज्ञान विज्ञान भवन दे देते हैं, लेकिन इनको भगत सिंह जी की जयंती मनाने के लिए इनके पास ये ऑडिटोरियम की हॉल परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। ये सरासर ये क्रांतिकारियों के लिए और भगत सिंह जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं हम कभी भी मना लेंगे, कोई इतना बहुत बड़ा कार्य नहीं करा, कोई जरूरी नहीं है इनका कराना, और मतलब इनका पता नहीं उद्देश्य, कहते हैं कि मेरे पे दबाव है ऊपर से, मंत्री जी के यहाँ से फोन आ रहा है। वहीं आरा शहर के कलेक्ट्रेट के समीप आरा सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों के साथ धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें काफी संख्या में होमगार्ड के बहाली में आए अभ्यर्थी भी शामिल हुए। बताते चलें कि भोजपुर जिले के शाहपुर बड़हरा और आरा प्रखंड के कई इलाके में बाढ़ आई हुई है। संबोधित करते हुए सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता पहुंचनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि डेयरी के तरफ से कहीं भी दूध नहीं दिया जा रहा है, जहां जहां बाढ़ आई है वहां बाढ़ग्रस्त इलाका सरकार को घोषित करना चाहिए। मौके पर राजू यादव, रजनाथ राम आदि लोग उपस्थित रहे। तो को बिहिया प्रखंड में 3 पंचायतों को और आरा शहर के कुछ वार्डों को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, कोइलवर में भी कुछ है, ये हम लोग की मांग है। और हम लोग 1 जुलाई से ही इस सवाल को उठा रहे हैं, लोकसभा में उठाया इस सवाल को, फिर हम 18 तारीख को गए, 15 अगस्त को वहां गए जवैनिया, उसी समय जिलाधिकारी से बात किए कि जो है गांव पूरा तरह से सामान्य किए कगार पर है, 25 घर ढह गए गिर गए गंगा में, 3 मंदिर 25 से ज्यादा घर गिर करके गंगा के मैंने धार में बह गए, लेकिन जिलाधिकारी जो पहले कहते तत्कालीन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया रहते तो ये हादसा नहीं होता। बाढ़ राहत के नाम पर भयानक लूट हुई है, ना उस परिचालन में, सामुदायिक रसोई में, दूध वितरण में, चारा वितरण में, प्लास्टिक वितरण में, हम लोग इसकी जांच की मांग करते हैं। और जिन किसानों का बाढ़ से फसल बर्बाद हुआ है, प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा सरकार दे, चाहे वो भूधारी किसान हो या बटाईदार किसान हो। अभी यहाँ होमगार्ड के भी अभ्यर्थी यहाँ धरना पर बैठे हैं और इनकी मांग है, हम लोग तो वहाँ पुलिस लाइन भी गए थे कि आप जो है माने 2.5 मिनट के जगह कम से कम 3.5 मिनट इनका समय निर्धारित कीजिए 800 मीटर दौड़ के लिए, और जो हाई जंप है चार फीट उसको। खबर बिजनौर से है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि स्कूल इंचार्ज पर नकेल और स्कूल में सोने का वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल इंचार्ज सुंदरलाल पर शिक्षिका ने छेड़छाड़ी का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शिक्षिका ने इंचार्ज की खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की है। वहीं आपको बता दें कि थाना हल्दौर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। प्रीति वर्मा है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरवाल के ब्लॉक हल्दौर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये दिनांक 20/9/2024 की घटना है। सर, हमारे स्कूल में सर सामाजिक विषय की सत्र परीक्षा चल रही थी। सुंदरलाल जी जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज अध्यापक बच्चों को मोबाइल से नकल करा रहे थे उन्हें। मैं इस चीज़ की वीडियो बनाने लगी। मैंने जब इस चीज़ की वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी, मेरी तरफ दौड़ कर आए और मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरे सर यहाँ गाल पे उन्होंने खरोंच किया सर नाखून से, और उसके बाद मेरा दुपट्टा खींच गया और फिर चप्पल लेकर के मेरे पीछे की ओर दौड़ने लगे। सर, फिर मैं चिल्ला करके भागी इस तरह से बचाओ कहकर के बाहर निकल कर आई। आपने इसकी शिकायत की कहीं? जी सर, मैंने FIR करी सर। उसी वक्त पुलिस चौकी में भी सूचना दी अपने विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और अपने BSS शिक्षा अधिकारी विभाग को भी सूचना दी। मैंने उनको वीडियो भी भेजी व्हाट्सएप पे। मैडम को फ़ोन कर पाई लेकिन शायद फ़ोन मिल नहीं पाया था तो बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने वीडियो पे उनको सूचना दी थी। उसके बाद फिर मेरा पुलिस चौकी में गई, वहाँ पर मैंने FIR लिखवाई, उनके खिलाफ लिखवाई। तो सर वो अपने सर हल्दौर के ही रहने वाले हैं, वो अपने पूरे परिवार को वहाँ लेकर के इकट्ठा करके आ गए सर, फ़ोन करके सबको बुला लिया उन्होंने।
फिर क्या हुआ सर? उसके बाद सर मैं उन्हीं से कह रही थी कि चौकी पे जब मैं मेड़ा में बैठी थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत हरकत करी है, ये आप पहले भी मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे। खबर नालंदा से है जहां सहसराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आधा नगर पानी टंकी के ऑपरेटर के रूप में छापेमारी कर जुआ और शराब की पार्टी करते एक बाढ़ पार्षद समेत आधा दर्जन जुआरी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया है कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि ऑपरेटर रूम में हर दिन जुआ और शराब की पार्टी की जाती है। इस सूचना पर छापेमारी की गई है जहां से बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड संख्या 6 के बाढ़ पार्षद विवेक कुमार विकी समेत आधा दर्जन लोगों को अंग्रेजी शराब ताश की पत्ती और 15,000 नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है। पहले सूचना मिल रही थी कि आसन नगर पॉइंट टंकी है, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग बैठ के जुआ भी खेलते हैं और शराब वराब पीते हैं, वहाँ शराब पी भी के पार्टी। इसलिए हम लोग कल टीम के साथ हम लोग कलेज ड्राइव भी था, हम लोग निकले थे। और जब वहाँ पर पहुँचे देखे कि पॉइंट टंकी के जो रूम बना हुआ है उसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो हमने जाकर देखे रूम में इतना पहले थी भी, तो देखे कि वहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं और साफ पकड़ा हुआ है, पैसा भी रखा हुआ है और 2 बच्चे साथ भी रखे हैं उसका, और जिससे लग रहा था कि वहाँ पर जुआ वगैरह भी होता है और लोग दारू भी मंगाते हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ आपको? नाम तो मैं विज्ञप्ति दे दूँगा बनाकर, ऐसा एक वार्ड पार्षद है उसमें 6 नंबर के हुआ है और एक कटिहार कोई आदमी है और बाकी 4 लोग यहीं कह रहे हैं। टोटल कितने गिरफ्तार? 6 लोग। और उनके पास से क्या क्या बरामद है? वो 15,240 रुपया है, 15,240 रुपया, 6 मोबाइल, 8 मोबाइल, 2 शराब की बोतल, ताप की पत्ती और वो पानी पीने वाले या जो कि शराब पीने का उपयोग होगा जो गिला होता है। वही दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र के एकरा गांव में एक 14 साल की किशोर की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपने घर के बाहर मित्रों से बातचीत कर रहा था। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी जिससे गोली उसके सीने से पार हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक हमलावर पवन बंटी और संदीप यादव से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी, इसी को लेकर यह फायरिंग की गई थी जिसमें बेकसूर राजीव गुर्जर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार हैं, उनकी सरगर्मी से जो है वो पुलिस तलाश में जुटी हुई है। देखिए उन्नाव थाना क्षेत्र के ग्राम एकारा में कल शाम को लगभग 7:45 से 8:30 के बीच में ये घटना हुई थी जिसमें एक बालक राजवीर पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी एकारा, इसकी जो है गोली लगने से मृत्यु के संबंध में हमें सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल जो है वो घटनास्थल पर रवाना हुआ थाने का फोर्स, फिर हॉस्पिटल गए, मैं भी हॉस्पिटल गया। वहाँ पर प्रथम दृष्टया ये पाया कि बच्चे के पेट में जो है वो बाईं तरफ से गोली लगकर दाहिने से निकली थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके चचेरे भाई को भी जो है वो हाथ में चोट थी जिससे उनके पीएम के लिए और मेडिकल के लिए डॉक्टर साहब से जो है वो निवेदन किया। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया समझ आया था परिवारजनों के कथनों के आधार पर वो ये था कि 3 व्यक्ति, एक पवन यादव, बंटी यादव और पवन बंटी संदीप यादव, ये तीनों जो है निवासी मकौनी के हैं और इनके द्वारा जो है वो गोली मारकर हत्या की गई है। पूर्व की कोई रंजिश थी इनकी भाइयों की जो थी, वो लड़ाई थी कभी मेले के दौरान वो लड़ाई हुई थी, उसके संबंध में जो है वो कब हुई थी और उसमें क्या हुआ था वो हम अभी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में सीएमएस के तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है जहां डायलिसिस में स्थानीय खरीद पर सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने रोक लगाई है। आपको बता दें कि सरकार की कारगर व जनोपयोगी योजनाओं में दवाओं की स्थानीय खरीद शामिल है। स्थानीय खरीद पर रोक से गरीब तीमारदारों की जेब पर लाखों का टाका पड़ रहा है। पीड़ित तीमारदारों ने डीएम से मुलाकात भी की है, जिलाधिकारी से न्याय व सहायता की गुहार ग्रामीणों के द्वारा लगाई गई है। ये मामला शहर कोतवाली के राणा बेनी माधव का है। हमारा मामला ये है कि हमारे पिताजी की डायलिसिस चल रही है सर, काफी दिनों से आयुष्मान का हम लाभ ले पा रहे हैं
लेकिन फिलहाल इस वक्त हमें आयुष्मान कार्ड से लाभ नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं दे रहा है? CMS सर नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम मेडिसिन नहीं दे पाएंगे आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान सरकार का तो आदेश है सभी को मेडिसिन देना है, तो CMS साहब से मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं कि जहाँ हमारा जिस तरीके से बस चलेगा हम चलाएंगे। ये बात कही CMS ने आपको? जी सर। तो आज आप कहाँ पे आए हैं? हम DM ऑफिस में आए हैं सर। तो किसी अधिकारी से आपकी भेंट हुई? अभी तक नहीं हुई। हम इनकी यहाँ पे अधिकारी नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ अधिकारी नहीं मिल रहे उसके बाद आप क्या करेंगे? हम मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी बात आगे तक भेजी जाए, जिसकी वजह से हमें इसका लाभ दिया जा सके। क्या मतलब योगी सरकार में आपको आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है? हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। एक मुस्लिम होने के नाते हमारी बात को इनरोल किया, अलग रखा जा रहा है कि लाभ ना दिया जाए। वहीं रायबरेली में शासन की मंशा के अनुरूप जिला कारागार में बंद बंदियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं शिक्षा सहित रोजगार समेत कई मुद्दों पर कार्यशाला केंद्रित रहा। आपको बताते चलें कि कार्यशाला के तहत मशरूम की खेती सहित 13 रोजगार के साधनों पर बंदियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वरोजगार विकास संस्थान के द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपर जिला जज मंच पर मौजूद रहे। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN News।